1980 का दशक तो आपको याद होगा, जब स्मॉल पॉक्स की वजह से बहुत बच्चे मरते थे और जो बच जाते थे बड़े होके उनके चेहरे पर बहुत ही बुरे निशान बाकी रह जाते थे जो कभी भी मिटते नहीं थे। ठीक उसी स्मॉल पॉक्स की फैमिली से एक और वायरस है जो अभी रिपोर्ट हो रहा है। सिंगापुर में एक नाइजीरिया का इंसान आया और उसको मंकी पॉक्स रिपोर्ट हुआ, डायग्नोज हुआ। उस केस को अभी फ़िलहाल आइसोलेट कर दिया गया है ताकि दूसरी जगह पे उस तरह के केसेस और ना फैले, सिंगापुर में भी और दूसरे देशों में भी वो केसेस ना फैले। एक तरह का हाई अलर्ट पैदा हो गया है ताकि ये इन्फेक्शन दूसरी जगह ना फैले और सभी का हेल्थ सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मंकी पॉक्स जो है वो किस तरह का वायरस है, किस तरह के लक्षण आते हैं और उसका कोई इलाज है या नहीं है। तो मंकी पॉक्स 1953 में सबसे पहले मंकीज़ में पाया गया, बंदरों में पाया गया, जिसकी वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया। 1970 में ये पहली बार इंसानों में पाया गया। आमतौर पर ये बुखार जो ये वायरस है इंसानों में नहीं होता है, ये मंकीज़ में या रैट्स में, रोडेंट्स होते हैं जो घरों में होते हैं उनके अंदर होता है और उनसे ये इंसानों में आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जूनोटिक डिज़ीज़ है एक तरह से, जो जानवरों में होती है लेकिन जो इंसान इनके क्लोज कॉन्टैक्ट में रहता है या जिस इंसान को ये चूहे या बंदर काट लेते हैं तो उस इंसान में भी मंकी पॉक्स जा सकता है। मंकी पॉक्स फ़िलहाल अफ्रीकन कंट्रीज़ में ही पाया जाता है और वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप लेकर रखता है। हालांकि स्मॉल पॉक्स की तरह इसकी वजह से भी इससे बहुत सारी डेथ नहीं होती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पीड़ादायक होता है। इसके लक्षण लगभग 2 हफ्ते तक बने रहते हैं और बहुत ज़्यादा सर में तेज़ दर्द, बदन दर्द, शरीर पे दाने उभरना, बहुत ज़्यादा मसल्स में, मांसपेशियों में बहुत दर्द होना और जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग होना, तो इंसान की काफ़ी बुरी हालत हो जाती है। और जो इसके रैशेज होते हैं वो ब्लिस्टर की तरह होते हैं और जब फूट जाते हैं तो उसमें क्रस्ट बन जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्किन जो है ख़राब हो जाती है, जिस तरह से स्मॉल पॉक्स की वजह से होती थी। हालांकि स्मॉल पॉक्स से कम ख़तरनाक है लेकिन ये इंसानों में जा सकता है। इंसानों से इंसानों में इसके फैलने के चांसेस बहुत कम होते हैं लेकिन जानवरों से इंसानों में फैलने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब ये इंसानों में हो जाता है और काफ़ी सारे केसेस हो जाते हैं तो फिर इसका ट्रांसमिशन आसान हो जाता है और इसी वजह से जो है ज़्यादा चिंता है। फिलहाल इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट जो वायरस इन्फेक्शन होती है उनका हम आमतौर पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करते हैं। CDC अटलांटा का ये कहना है और उन्होंने काफ़ी सारे ट्रायल किए भी हैं कि जिन लोगों को मंकी पॉक्स होता है, क्योंकि ये स्मॉल पॉक्स की फैमिली का ही है, तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव देखी गई है। 85% के करीब जो है इसकी इफ़ेक्टिविटी रिपोर्ट की जा रही है, क्योंकि मंकी पॉक्स एक DNA वायरस है। DNA वायरस किस तरह से काम करता है ये समझना ज़रूरी है। क्यों वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद में उसको एक लंबा टाइम लग जाता है अपना रूप दिखाने में? देखिए, वायरस जब पहली बार शरीर के अंदर जाता है उसके बाद में ये एक सेल के अंदर जब घुस जाता है तो ये जो हमारा सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है या DNA होता है उसका काम होता है हमारे बॉडी के लिए अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनाना और उन प्रोटीन से सारे सिस्टम जो है रेगुलेट होता है। ये DNA वायरस उन्हीं सेल्स के अंदर जाके उनको हाईजैक कर लेता है और हाईजैक करने के बाद में आप समझते हो कि क्या होगा, उस सेल के DNA को वही काम करना पड़ता है जो ये वायरस बोलता है। ये वायरस अपने उसको हाईजैक करने के बाद जो फोटोकॉपी करने की मशीन की तरह जो ब्लूप्रिंट है वो चुरा लेता है और उसको मजबूर करता है कि ऐसे ही ब्लूप्रिंट बनाने हैं। और जब इस तरह के ब्लूप्रिंट बहुत सारे होते हैं तो वो सेल फट जाता है और दूसरे सेल्स को अफेक्ट करने लग जाता है और पूरे शरीर में वायरेमिया हो जाता है, जिसके बाद में इसके लक्षण आना शुरू होते हैं। तो ये था मंकी पॉक्स के बारे में। इसके बारे में डरने की कोई बात नहीं है। हमारा हेल्थ सिस्टम, हेल्थ मिनिस्ट्री पूरी तरह से एक्टिव है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में और सिंगापुर और इस पूरे एरिया में, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, ये ना हो कि इसके नाम पे कई तरह के भ्रम फैलाए जाए और आपको अननेसेसरी ट्रीटमेंट को फेस करना पड़े। आपको ये नया अपडेट किस तरह कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके मोटिवेट कर दीजिएगा और पुराने हैं तो जाते वक्त लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।